हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं एक स्पेशल रेसिपी जिसे बनाना भी बहुत आसान है और बहुत ही टेस्टी बनती है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। पनीर मशरूम सैलेड बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक पैन ले लिया है। इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच घी। आप चाहे तो बटर भी ले सकते हैं। अब हम इस घी को मेल्ट होने के लिए रख देंगे। अब हम इसमें डालेंगे मशरूम। ये मैंने 7 से 8 मशरूम ली है और मैंने हर मशरूम को 4-4 पीसेस में कट कर लिया है। हम इसे थोड़ा सा भून लेंगे। फ्लेम हमें हाई ही रखनी है क्योंकि मशरूम थोड़ा थोड़ा पानी भी छोड़ती है, तो फ्लेम आप हाई रखिए और साथ साथ चलाते रहिए। 2 से 3 मिनट के लिए मैंने मशरूम को अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें डालेंगे कैप्सिकम, जिसको मैंने स्क्वायर शेप पीसेस में कट कर लिया है। इसी के साथ हम डालेंगे गाजर, जिसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। और हमें फ्लेम हाई रखते हुए ही इसे 2 से 3 मिनट के लिए और चलाना है। मैंने सभी सब्जियों को 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें डालेंगे प्याज और इसको भी हमें इसी तरह से भून लेना है। सभी चीज़ों को मैंने 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी काली मिर्च, ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और हमें इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। नमक और काली मिर्च इसमें अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब हम डालेंगे पनीर, जिसको मैंने स्क्वायर पीसेस में कट कर लिया है। और पनीर डाल के भी हमें इसे 2 से 3 मिनट के लिए और इसी तरह से गैस पर रहने देना है। सो फ्रेंड्स, 2 से 3 मिनट में हमारी सैलेड रेडी है और अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारी सैलेड बनकर तैयार है। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी है। इससे वेट लॉस भी होता है और साथ ही आपका पूरा दिन एनर्जी से भरा रहता है।